गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सो टुडे इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ आर न्यू लेसन, लेसन नंबर 6. दिस इज जॉर्डीज फॉन. सो बिफोर एक्चुअली रीडिंग द लेसन, विल स्टार्ट विथ बिफोर यू रीड. ओके. ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. होता है ना ऐसा, डॉक्टर के यहाँ जाने से बेहतर हम अगर कुछ छोटी हमें खरोच या कोई चोट आती है तो हम घर में जो अवेलेबल फर्स्ट एड होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर, है ना, ऐसा करते हैं हम. ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़. क्या आपको पता है ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है? आपको मालूम है कि अगर कोई छोटी मोटी चोट खरोच से आप कैसे, मतलब घर की होम रेमेडीज से आप ठीक हो सकते हो? डू यू नो सम? फॉर एग्जाम्पल, अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग, कि मधुमक्खी काट जाए तो आप कैसे, मतलब होता है ना कि अगर आपने सुना हो, आपको पता हो तो कि लोहा रगड़ने से, चाबी रगड़ने से मतलब वो सही हो जाती है. तो ऐसी कुछ होम रेमेडीज़ आपको भी पता है? अब बर्न ऑन योर आर्म मतलब छिला जाता है कहीं आपको, मतलब आपका आर्म कहीं पे छिला गया हो तो आपको पता है कि उसको कैसे सही करना है. होम रेमेडीज़, डू यू नो सम होम रेमेडीज़? सो ऑब्वियसली वी नो सम. ठीक है, हम सबको कुछ ना कुछ पता है, नहीं तो हमारे पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली पता ही है. सो तो क्या होता है कि हम होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं छोटी मोटी चोट खरोच के, डॉक्टर के यहाँ हम तभी जाते हैं जब हमको कुछ सीरियस इश्यूज़ होते हैं तब. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. ये चैप्टर किस बारे में है? इन दिस स्टोरी जॉर्डीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. ये स्टोरी में क्या होता है कि जॉर्डी जो है उसके फादर जो होते हैं उसे उन्हें एक रैटल स्नेक काट लेता है. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ द पॉइजन. तो वो क्या करता है कि जब रेटल स्नेक जॉर्डी के फादर को काट लेता है और उनके शरीर में जहर फैलने लगता है तो वो क्या करते हैं, क्विकली किल्स अ डो. वो किसको मारते हैं? डो. डो मतलब हिरणी. हिरणी को डो कहते हैं इंग्लिश के अंदर. तो वो एक हिरणी को मार देते हैं और उसके हार्ट और लिवर को यूज़ करते हैं. ऐसा कहते हैं कि हिरणी का हार्ट और लिवर जो है वो जहर को काटने में सक्सेस, उससे कि क्या होता है कि जहर फैलने से बच जाता है शरीर के अंदर. तो वो एक हिरणी को मार देते हैं. जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ वंडर. लेकिन हिरणी को मारने के बाद उसके पीछे जो है बेचारा, उसका जो बच्चा होता है जिसको हिरणी के बच्चे को फॉन, फॉन कहते हैं हिरण हिरणी के बच्चे को, तो वो अकेला रह जाता है बिना माँ के. तो जॉर्डी जो है वो उसके बारे में सोचता है. ठीक है, नाउ पार्ट वन विल स्टार्ट विद दिस. जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. मतलब जॉर्डी जो है उसके दिमाग में बार बार उसी फॉन का, मतलब उस हिरण हिरणी के बच्चे का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था. ड्रिफ्ट बैक मतलब गो बैक टू, मतलब वो कुछ और सोचे तो भी उसका जो थिंकिंग है उसकी वापस वहीं पर जा रही थी पहले, कि कैसे उन्होंने मतलब उस हिरणी के बच्चे को अकेला छोड़ दिया, तो उसके बारे में उसको ख्याल आ रहा था बार बार. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो अपने दिमाग से इस थॉट को, इट मतलब उस थॉट को, उसके दिमाग से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था. चाहे वो कुछ भी सोच ले, लेकिन बार बार उसके दिमाग में वही हिरणी का बच्चा घूम रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. और वो उसके सपनों में उसके कर, जब वो करवटे ले रहा था तो उसको मतलब बार बार उसको उसी चीज़ का ख्याल आ रहा था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेसाइड बेड साइड. तो फिर वो क्या है कि टेबल पे बैठा हुआ था तो वो टेबल पे से उठ करके अपने फादर के बेड साइड पे, जहाँ पे उसके फादर लेटे हुए थे, वहाँ जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. और जॉर्डी के फादर का नाम होता है पेनी, जो कि सीधे रेस्ट में लेटे हुए होते हैं. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. जिनकी आंखें जो है वो पूरी तरह से खुली हुई थी और क्लियर थी. बट द पुपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन उनके आंखों के चारों ओर जो है काले काले धब्बे हो रहे थे और वो परेशानी में थे. जॉर्डी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. जॉर्डी ने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो फादर. मतलब क्योंकि उसके फादर को सांप ने काटा होता, उसके बाद में वो उस डो को मार करके उसके हार्ट और लिवर को यूज़ करके पॉइजन तो निकाल देते हैं. तो वो जब फादर रेस्ट कर रहे होते हैं, जॉर्डी उनके पास जाता है, कहता है कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव. मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर. मतलब जो बुढ़ापे में जो मृत्यु जो होती है, मौत जो होती है, वो जॉर्डी के फादर के पास आई थी, लेकिन वो किसी तरह समहाउ वो उससे बच गए. और अब वो जो इसमें ही बताया गया कि अब वो जो मृत्यु जो है वो किसी और को लूटने चली गई.
मेरे पास तक आई थी, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था और मैं बच गया, और वो किसी और को लूटने के लिए चली गई, मतलब किसी और के पास चली गई। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, लेकिन क्लोज शेव मतलब मैं बाल बाल ही बचा था, है ना। आई एग्री, ये बात मैं मानता हूँ कि मतलब मेरा नसीब अच्छा था तो मैं बाल बाल बचा, वरना मैं भी मर जाता। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो पेनी जॉर्डी से कहते हैं अपने बेटे से कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा, जिस तरह से तुमने अपना द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मतलब होता है स्टे काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी तुमने अपना हौसला नहीं खोया, इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। एंड वॉट एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और तुमने वही किया जिसकी ज़रूरत थी। नाउ पा, यस सन, मतलब वो पूछता है कि पापा, तो कहते हाँ बेटा बोलो। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आपके भी ख्यालों में वो हिरणी और उसका बच्चा आ रहा है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो फादर कहते हैं कि बिल्कुल मेरे मन में भी वही ख्याल चल रहा है, और मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूँ, उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, बेचारी हिरणी की वजह से ही तो मैं आज जिंदा हूँ। तो ये फादर अपने बेटे जोड़ी को कहते हैं, पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो जोड़ी कहता है कि फादर, जो फॉन जो है मतलब हिरणी का जो बच्चा है, वो अभी भी वहीं होगा, और हो सकता है वो भूखा भी होगा और काफ़ी डरा हुआ होगा बिना उसकी माँ के, क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं, तो वो बिना उसकी माँ के काफ़ी भूखा होगा और काफ़ी डरा हुआ होगा। तो फादर कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, आई सपोज सो। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, Why don't I go and see if I can find the phone? तो जॉर्डी अपने फादर से कहता है कि पापा, मैं अब एक बड़ा लड़का हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ उस फ़ोन को, ढूँढने की कोशिश करूँ, हिरणी के बच्चे को ढूँढूँ कि वो कहाँ है, किस हालत के अंदर है, एंड ब्रिंग इट हेयर, और क्या मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ, एंड रेज इट, और उसे पाल सकता हूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो ये सुनने के बाद में जो जोड़ी के फादर जो होते हैं वो चुपचाप होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सीलिंग की तरफ देखते रहते हैं। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, मतलब कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे बहुत ही दुविधा में डाल दिया। गॉट मी हेम्ड इन का मतलब होता है तुमने मुझे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मतलब कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट से नो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना नहीं बोला जा सकता, तुमने मुझे बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया, तुमने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रंस। तो जोड़ी कहता है कि उसको पालने में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा पापा, आई विल सून स्टार्ट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग, वो बहुत ही जल्द खाना पीने लग जाएगा, हरी पत्तियाँ खाने लग जाएगा, एंड एक्रंस, एक्रंस का मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्राउन नट्स। तो इट विल सून बी ओके फादर, एंड इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, मतलब उसको पालने में इतना ज़्यादा नहीं लग, इतनी परेशानी हमें नहीं आएगी, तो क्या मैं उसे ला सकता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए, अगर मैं उसको ढूंढ लूँ तो क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ। तो फादर एक कन्फ्यूज सिचुएशन में होते, लेकिन वो उसको ना नहीं कह पाते। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तो उसके फादर क्या कहते हैं कि जिस एज में तुम हो, तुम्हारे से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। उसके फादर जो है उस जोड़ी पर गर्व करते हुए ये बात बोलते हैं। We took its mother and it wasn't to blame. हाँ, गलती तो हमने करी है क्योंकि हमने उससे उसकी माँ छीन ली है। तो surely it seems ungrateful to leave it to starve. और ये तो बिल्कुल सही है कि अगर हम उसे ऐसे ही भूखा मरने देंगे या फिर उसको ऐसे ही अकेले हालात में छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। Ungrateful का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज़ अपोजिट ऑफ grateful. ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी के प्रति शुक्रगुजार होते हैं, कि किसी ने हम एहसानमंद होते हैं किसी के प्रति, तो यहाँ पर एहसानमंद किसके लिए, हिरणी की वजह से आज वो जिंदा है, हिरणी की वजह से उनकी लाइफ जो है वो सांप के काटने के बाद भी वो बच गए, तो वो एहसानमंद है। तो उसके बाद में इतना तो बनता ही है कि वो उनके बच्चे को पाल पोस करके सही सलामत रखें। तो फादर यही कहते हैं कि हाँ, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो सन, आई कैन नॉट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और उसके बिना, हिरणी के बिना मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं एक दिन भी ज़िंदा रह पाता, सो मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा, तुम जाओ और उसको ढूँढो।
कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो क्या मैं उस जगह पर जाऊँ जिस जगह मिल व्हील जिस जगह का नाम है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था, और कैन आई गो एंड फाइंड इट देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो फादर कहते हैं टेल योर मॉ एंड सेड आई कैन यू कैन गो। तो जाने से पहले अपनी माँ को कह देना कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है वहाँ जाने के लिए। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो जोड़ी जो होता है वापस अपनी टेबल की तरफ जाता है और बैठ जाता है जहाँ पर उसकी मदर जो है वो सबके लिए कॉफ़ी जो है वो तैयार कर रही होती है, कॉफ़ी फिल कर रही होती है कप्स के अंदर। ही सेड माँ पा सेज आई कैन ब्रिंग गो ब्रिंग बैक द फोन। तो वो उसकी माँ से कहता है कि मदर मुझे परमिशन मिल गई है, फादर ने मुझे कहा है कि मैं जाऊँ और उस हिरन हिरनी के बच्चे को लेकर के आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। वॉट फोन। तो अब मदर जो है वो कॉफ़ी पॉट उनके मिड एयर में ही, मतलब जब वो उसको फिल कर रही होती है तो बीच में एक पॉज ये सुन करके एक रुक सी जाती है और कहती है कि क्या कौन सा हिरनी का बच्चा। वॉट फोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो जोड़ी कहता है कि वो बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया। वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव्ड पा। हमने उसी हिरनी के लिवर को इस्तेमाल करके फादर के शरीर से हमने वो जहर निकाला है, इसीलिए आज वो सही सलामत है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।